Yes, now I see you. Okay. 16? 16, Now you're right? gone. Okay, now you're there. I see you. And welcome to episode 16 of DigiTales. I'm Faizan Sayed, and today we have someone very, very interesting who's got a very dynamic past and has done some very interesting things, including poetry, design, writing, motivational speaking, and somewhere in between there was a food scientist, a very well-known Yusuf Bashir Qureshi. How are you today? Assalamu alaikum. Great. Thank you. Thank you. Doing well. वालेकुम सलाम. एक लफ्ज मेरे जहन में आता है जो मैंने कहीं पढ़ा था, उसका कहते हैं अंग्रेजी में मल्टी पोटेंशियलाइट. इज दैट समथिंग यू कंसीडर योरसेल्फ? उसको उर्दू में कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूकात. वो जो सारे काम कर सकता है. हाँ भाई, देखो खुदा ने बोला मेरे 99 नाम है, और 99 नामों को जब उसकी मीनिंग में गए तो पता लगा वो 99 ताकतें थी, स्किल सेट्स थे. फिर उसने बोला मैं आपके सीने में हूँ, और फिर हमें जिंदगी दी ताकि हम ये 99 नामों की तस्खीर अपने जिस्म से, अपनी जान से, अपनी रूह से, अपने दिल से, अपने दिमाग से उसको तस्खीर कर सकें. ये बहुत अच्छा आपने इसका बयान दिया मुझे. लेकिन ये बताएं, आप कैडेट कॉलेज से निकल के लिंकन नेब्रास्का पढ़ने गए, फूड साइंस पढ़ने गए, पहले मुझे ये बताएं कि फूड साइंस का शौक आया कैसे और आपने फिर मुकम्मल क्यों नहीं किया? यार एक तो ये खाने का, मुझे पकाने का शौक था, खाने का इतना नहीं, पकाने का शौक था. माँ के साथ, मेरी माँ बेकिंग का शौक था, तो वो मैं हमेशा उनके साथ बैठ के वो एग बीटिंग करते रहते थे, और कोई ना कोई. और आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन कैडेट कॉलेज हाफ वे. उसके बाद लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सारी चीज, तो पढ़ाई में तो बिल्कुल ध्यान नहीं. और फिर उस जमाने में ये था कि पहले इनको इंजीनियर बनाओ, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता है एमबीए का, तो इससे अच्छा बच्चा निकल नहीं सकता. बस लिनियर लिनियर जिंदगी आप लेके चले. हाँ वो भी मेरे वालिद की बेचारे का ख्वाब था, अभी भी है मेरा ख्याल. आई मीन समवेयर दे ही स्टिल विशेस दैट आई वाज एन इंजीनियर और समथिंग. अच्छा. लेकिन ये है कि वो, तो मैंने बोला भाई इंजीनियरिंग अपने कैलकुलस अगर नकल भी की तो अपने नहीं पास हो सकते. नो भाई, उनको आप कह दें सोशल इंजीनियरिंग भी कोई चीज होती है और आप सोशल इंजीनियर हैं. तो उन्होंने बोला कि यार ये फूड साइंस कर लो. और फिर वो लिंकन नेब्रास्का इन द मिडल ऑफ नोवेयर जगह थी, जहाँ कोई रिश्तेदार हमारा जानने वाला कोई भी नहीं था. हमें फुल आजादी चाहिए थी, जहाँ से कोई रिपोर्ट ना कर सके, कोई हमसाया कुछ कोई नहीं जानता. तो वो जगह आपने चुनी कैसे? लिंकन नेब्रास्का, मतलब पूरा अमेरिका पड़ा हुआ है, आपने लिंकन नेब्रास्का कैसे ढूंढ लिया? यार मेरा बेस्ट फ्रेंड था अदनान अनवर. अदनान के कोई जानने वाले वहां पहले थे, कोई लबनानी वबनानी वहां. अच्छा. तो वो एक छोटा कम्युनिटी कॉलेज था, मेरी वजह से अदनान ने अपने 6 महीने और मेरे हम दोनों साथ गए थे. तो बस यही था, हमने बोला देखो रिश्तेदारों से, दुनिया से, हर चीज से दूर होना चाहिए, और सिर्फ ऐसी जगह होनी चाहिए जो सही अमेरिका हो, जिसमें ब्लॉन्ड औरतें हों, जिनकी ब्लू आईज हों. तो हमने वही जगह चुनी. फिर आप सही जगह पहुंच गए, और सिर्फ दोस्ती बहका के वहां ले जा सकते हैं जिंदगी में. तो फिर अब वहां पे पहुंच के आपने फिर फूड साइंस शुरू किया, लेकिन आपने फिर मुकम्मल नहीं किया, फैशन की तरफ आपका रुझान हो गया, और आपने फिर जिवंशी और अपना केसी और बीबी के लिए डिजाइन किया. स्विच कैसे हुआ ये? यार ये स्विच ऐसे हुआ, मेरी जो होस्ट फैमिली थी, होस्ट पेरेंट्स थे, दे वर होस्ट ट्रेनर्स, तो मैं सीखा भी उनसे टू शो हॉर्सेस. तो हम लोग शो हॉर्स करते थे, तो उसमें कॉस्ट्यूम्स में होते थे, तो मैं कभी जामावर की शेरवानी पहन लूँ, कभी वो, यहाँ से चीज़ शुरू हुई. तो लोगों ने पूछने शुरू हुए, ये अजीब सा घोड़े से ज़्यादा इंसान सजा हुआ, ये कौन है? मैं कभी पटका बांध लूँ, कभी धोती में चला जाऊँ, पिंक धोती पहन लूँ. और ये शो हॉर्सेस, ये शो हॉर्सेस शोज यहाँ कराची में होते थे? नहीं, दिस वाज इन स्कॉट्सडेल एरिज़ोना,
अच्छा एरिजोना में शो हॉर्सेस, अच्छा वहां पे आप शेरवानी पहनते थे स्कॉट्सडेल एरिजोना में? वहाँ, फिर लिंकन नेब्रास्का, फिर ओमाहा, फिर बहुत सी और जगहें थी जहाँ ये शोज। अच्छा तो ठीक ये है, वो माय होस्ट पेरेंट्स वर अरेबियन हॉर्स ब्रीडर्स, तो अच्छा उनके अच्छा साथ ही हम लोगों ने मुझे ट्रेन उन्हें मुझे सिखाया था। तो वेरी वहाँ मैं ये इंटरेस्टिंग। रंगीन शौकियाँ करना शुरू हुआ, तो बस वहीं से लोगों ने बोला तुम कौन हो। मैंने ये कपड़े मैं बनाता हूँ। बोला अच्छा यू आर द डिजाइनर। तो हमें पहली दफा पता लगा अच्छा ये कपड़े अच्छे, उसको डिजाइनर कहते हैं। बोला हाँ हम ही हैं वो। अच्छा तो ये कहानी वहां और से ये शुरू हुई। कौन से साल की बात है ये? दिस इज 1994 आई थिंक। हाँ 94 अच्छा mid 90s, ठीक है। mid 90s। उसके बाद इस वक्त ये इंस्टाग्राम शुरू नहीं हुआ था, वरना आपके सारे डिजाइन्स ऑलरेडी इंटरनेट पे पहुंच चुके होते। हाँ डिजाइन भी पहुंच चुके थे और बहुत सी ऐसी चीजें पहुंच चुकी थी जिसे खुदा ने बचा लिया अभी तक हमें ना। अब लिंकन नेब्रास्का बाय द वे इतना दूर नहीं है, टेक्नोलॉजी ने उसको बहुत करीब कर दिया। हाँ ट्रू, टेक्नोलॉजी करीब है लेकिन उनका डेटा नहीं है ना पुराना, तो बचे हुए हैं हाँ यही, आप हैं सब तो। बचे हुए। तो उसके बाद जब मेरा आई थिंक लास्ट सेमेस्टर था और यू नो सेमेस्टर की फीस आई, तो मैंने बोला कि अब इसको क्या करना चाहिए, दे देने चाहिए या खा लेने चाहिए। तो मैंने अच्छा सोचा कि जॉब तो मुझे जॉब ऑफर तो हो गई है मुझे, अभी हमें डिग्री से पहले जॉब ऑफर हो गई तो फिर इस तरह करते हैं कुछ अरसे जॉब करेंगे फिर कर लेंगे, एक ही सेमेस्टर था फिर बाद में कर लेंगे। सही। लेकिन बस वो ऐसी वेकेशन पे निकले कि वालिद साहब से झूठ बोला कि हाँ नहीं भाई हम तो बस सब बस ग्रेजुएशन है, आप फिक्र ही ना करें, आप पैसे तो भेजें। हाँ तो बेचारे के साथ हमने बहुत ज्यादती की, बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ी मेरी वजह से, क्योंकि मुझे पता है पता तो था लेकिन यार देखो बाप कैसा इंसान, उनको पता था, आई एम श्योर उनको पता था मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाँ लेकिन यू नो मेरी ईगो का मेरी मेरे मेरा लिहाज रखने के लिए वो ऐसे ही अनजान रहे कि जैसे उनको पता ना हो। तो यानी कि लास्ट सेमेस्टर के पैसे मिल गए आपने, लेकिन सेमेस्टर कंप्लीट नहीं किया, पैसे हम खा गए पैसे। ही खा गए। अच्छा अब पैसे खा गए, डिग्री नहीं ली, अब क्या चल रहा है? यानी कि यहां से फिर आप गए डिजाइन करने? मैंने वो जो जॉब थी वो एक अजीब, आई यूज टू ग्रो मोल्ड इन अ पीट्री डिश इन अ लैब एवरी डे, तो ये नौ यू ये आई वाज जॉब वेरी गुड थी? एट। हाँ ये जॉब थी, हाँ तो लैब की जॉब थी, मैं बहुत बोर हो गया। हालांकि यू नो आई वाज वेरी गुड विद, यहाँ भी जब मैं पाकिस्तान में भी था तो आई वाज लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द बायोलॉजिकल कलेक्शन क्लब, तो मैं वो डाइसेक्शंस वगैरह यूज्ड टू एंजॉय। तो मेरे वालिद का, मेरे दादा का भी, अलग उनका भी बहुत दिल था कि मैं सर्जन बन जाऊं, बिकॉज़ आई हैड वेरी स्टेडी हैंड्स, दे रियली लाइक राइट। उनको क्या पता था इन से आगे फूल बनने और कपड़े बनने, वो तो समझे थे कि इनसे जिस्म तराशे जाएंगे। अच्छा खैर वो नहीं हो सका, तो मैंने बस वहां आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी में रुझान आया और इसी में जाने शुरू हुए। और लोगों ने बोला कि आप बनाएं, तो उस जमाने में तो बस माँ को भेज देता था चीजें कि भाई ये जामावर की शेरवानी बना दें, इसके जोधपुरी बना दें। तो इट स्टार्टेड लाइक दैट, एंड देन देयर वाज दिस प्लेस आई ओपनड अप कॉल्ड द सिल्क कैफे। एंड दिस दिस इज इज स्टिल इन द 1994 यूएस इन द यूएस इन एंड लिंकन स्टिल इन नेब्रास्का। नेब्रास्का। अच्छा ओके। इन नेब्रास्का आई ओपनड अप दिस कैफे एंड आई नेम्ड इट द सिल्क कैफे। और उसके अंदर, और मिडवेस्ट में 1994 पीपल डिडंट इवन नो दैट, पाकिस्तान से बोला ना, पाकिस्तान में लाइक इज दैट अनदर स्टेट, इज इट नियर नेब्रास्का, इज इट इन कैंसस, और फिर वहां तो जिनको उनको पता कुछ नहीं था पता होता पाकिस्तान, ना। पाकिस्तान का ओ इंडिया, और ये अफगानिस्तान का पता था ओ यू गाइस स्टिल गो ऑन कैमल्स, डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स दैट टाइम बिल्कुल। इन द मिडवेस्ट। तो उस वक्त सिल्क कैफे वहां खोलना, और वहां उस वक्त उनको केवड़ा लस्सी और यू नो क्या कहते हैं ओरिगिनो के, मैं उनको पकोड़े बना के देना और लहसुन रोटी बना के देना। सो आई स्टार्टेड दैट बिजनेस देयर। वेरी मैंने बोला इंटरेस्टिंग। चलो लेट्स ट्राई दिस आउट। वंस आई वाज जस्ट टायर्ड ऑफ द पीट्री डिश स्टफ, यू नो आई जस्ट वेंट एंड यू नो आई थॉट आई वाज गोइंग टू ग्रो इनटू अ मोल्ड एंड आई सेड यू नो आई एम नॉट डूइंग दिस एनी मोर, सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग। तो मेरे पास कोई पैसे थे जो वहां से जमा हुए थे, तो मैंने कहा चलें जाके अब उड़ाते हैं, पैसे तो हमें जेब में अच्छे लगते नहीं थे जब तक निकले ना, सही बात है। तो उड़ाने तो अब के लिए आपने चले। कैफे जाके, तो यानी कि वो पैसे जो बचाए हुए थे जाके आपने कैफे खोल लिया मैंने कैफे जहां पे शुरू कर समोसे दिया। बेच रहे हैं लिंकन नेब्रास्का में।
1994 कौन आता था आपकी ऑडियंस कौन थी इस चीज के लिए मतलब क्या गोरे खा रहे थे या वो सब गोरे वहां तो देसी बहुत ही कम थे बेसिकली कॉलेज कैंपस के एरिया में आपने खोला हुआ होगा College campus was actually in the downtown area of Lincoln, which is next to the campus, and it's considered one of the most prestigious areas. Wahan purani, you know, my place was in a basement. It was an old Irish pub. So, अच्छा यानी कि Irish pub को convert करके समोसे भेजे जा रहे हैं वहाँ से. समोसे भेजे वहाँ. दूध पत्ती, कश्मीरी चाय. Very nice. और ये कितना अरसे चला फिर? ये जो आपका. अरे ये एक साल में चला. And फिर दिल भर गया. नहीं, then I closed it down, and then I moved into another space, और फिर वहाँ से I shifted to, long story short, I shifted to Santa Monica, Los Angeles. अच्छा, that's a completely different type of America. मतलब Santa Monica एक तरफ और Lincoln, Nebraska एक तरफ. तो मतलब वहाँ पे भी जो है ना adjustment चली होगी. कुछ time लगा होगा. I had done a show. ये वेगस में हम लोग शोज करते थे तो वहाँ ये क्लोथिंग शोज भी होते थे. mm-hmm. तो मैंने एक दिन अपना मैंने बोला यार ये क्लोथिंग शो एक होता था स्टार्ट हो रहा था उस जमाने में यूज टू कॉल द मैजिक शो बहुत पुराना 1996 की बात है. तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो. मैंने मैं भी डिजाइनर हूँ. बोला अच्छा तुम अपना स्टॉल खरीद लो. हमने बोला चलो स्टॉल दे दो. हमने स्टॉल ले लिया वहाँ किया तो वहाँ एक पाकिस्तानी वेंचर कैपिटलिस्ट थे वो आए वहाँ. उन्होंने बोले भाई आप कौन है. मिलना हम ये आपका जबरदस्त काम है आप कहाँ होते हैं. हम लिंकन नेब्रास्का में होते हैं. कहते आप पहले आए. तो हम वो जिस तरह जी ना भूखे उस जमाने के बच्चे कुछ समय मिलने का. हाँ इतना शौक हमसे मिलने का तो हमें टिकट भेज दो. उन्होंने वाकई भेज दिया. हमने बोले यार ये तो वाकई. फिर जब हम ले गए उनसे बात बात की तो उन्होंने कुछ ख्वाब ऐसे दिखाए. मैंने बोला वापस तो जाना ही नहीं. अब हम पता नहीं वहां से झक मार रहे थे. शिफ्ट हुए बहुत मजा आया. बहुत खेले कूदे पैसे खर्च किए लोगों से मिले. और 6 महीने के बाद वो सारा खाब पैर के नीचे से निकल गया. वो पाकिस्तानी वेंचर कैपिटलिस्ट नजर ही नहीं आया उसके बाद. और हमें जितने क्रेडिटर्स थे उनके आगे छोड़ के चले गए. अब हम यहाँ से जहाँ बड़े शाहाना बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे थे और बड़े बड़े बंगलों में रह रहे थे वे रोड पे आ गए. उसके बाद फिर अजीब भाई कहाँ यू नो इधर और फिर अब कहाँ रोड पे. फिर वहां से भाई अब नौकरी शुरू करें. नौकरी ढूंढे पढ़े लिखे तो है नहीं. जिसके पास जो बोले मैकडोनल्ड में लग जाए तू तो फूड साइंटिस्ट है लेकिन डिग्री है नहीं. अब बोले अब क्या करें बता नहीं सकते थे तो अब क्या करें भाई ढूंढते हैं कोई नौकरी. ढूंढी एक जगह पे as a sales assistant. तो हमारा काम होता था पीछे से जाके कपड़े ले आओ. ये बेवली हिल्स में रोडियो ड्राइव के साथ ही बेवली ड्राइव थी उसके ऊपर एक शॉप थी. तो वहां उन्होंने मुझे नौकरी दे दी. बस वहां से नौकरी करनी शुरू हुई तो बोर हो गया. कभी सारा दिन कभी कपड़े लाओ कभी पोछा लगाओ. तो वो ओनर थी वो हमारी बहुत अच्छी ओनर थी बहुत रहमदिल औरत थी. मुझे उसने बोला कि भाई आप क्या करते हैं. मैंने मैं डिजाइनर हूँ यार यहाँ पर फंस गया हूँ ऐसे बस हालात ऐसे हो गए बस मारा हुआ हूँ. तो अपनी मैंने रुदात सुनाई. उसने बोला अच्छा तुम ये अपने कपड़ों से नहीं ये विंडो हमारी है इसको जरा इसमें कुछ लगाओ. अरे ये हमको तो बस क्या चाहिए था इशारा चाहिए था. मैंने तो अपना बिल्कुल नानी के कम्बल और चारपाइयाँ और सब चीजें टांग दी उसके ऊपर. मतलब पूरा विंडो पे कब्जा कर लिया. हाँ मैंने पूरा उसको ऐसा वो बॉलीवुड का मैंने वो उसको सलमा सितारे लगाए और उसमें आइटम कर दिया पूरा मैंने. और ये मिडिल ऑफ हॉलीवुड के करीब एक दुकान के अंदर मतलब विंडो के अंदर बेवली ड्राइव इन दिस इज इन बेवली ड्राइव मतलब यू आर इन द मिडिल ऑफ इट एंड यू पुट अप लाइक यू नो नानी के कंबल दिस स्टफ व्हिच नोबडी हैज सीन नोबडी हैज हर्ड ऑफ. और वो वहां से लोग आए विंडो देखने शुरू हुए. बोले ये किसने किया तमाशा. मैंने बोले इसने किया है. बोले हाँ मैंने किया. बोला आप डिजाइनर हो विंडो डिजाइनर. मैंने कहा हाँ ये भी होता है कुछ. मैंने कहा हाँ ये भी हूँ. बोलो और बोलो विंडो डिजाइनर. चले एक और नई करियर स्टार्ट हो गई. हाँ बोले भाई कितने पैसे लोगे उसके. मैंने बोले बड़ी दुकान से हैं जरा खुल के बोलते हैं. मैंने मैं 1000 दूंगा. उन्होंने बोला डील डन. मैंने बोला गलत कह गया. उफ तो सस्ता सस्ता छूट गया. बाद में
बाद में पता लगा वो 25-25, 30-30 हज़ार डॉलर देते थे डिजाइनर्स को। मैंने बोला लेकिन बाप से, नहीं 1,000 डॉलर तो मेरे हैं लेकिन बाकी खर्चे वर्चे के अलग देना, वो मैं जो चीजें लेके आऊंगा रस्सी और गाड़े। हाँ दैट्स अंडरस्टूड। अरे मैंने तो बोला आज क्या खराब बिजनेस डील की, लेकिन नसीब हो इधर तो वहां से मुझे रेडियो ड्राइव की 3-4 दुकानें मिल गई, हम इनके विंडो डिजाइनर बन गए वेरी और नाइस. यहाँ भी काम कर रहे थे वहां भी काम कर रहे थे। वापस पैसे आना शुरू हुए तो हमने बोला अपना स्टूडियो होना चाहिए, फिर अपना स्टूडियो बनाया, फिर वहां चीजें बनानी शुरू हुई। यहाँ से फिर विंडो से भी बहुत सारे लोग मुझे मिले, आर्यन फिलिप्स मिली, मैरी मल कपूर मिली, ये बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने हमें तो ये बहुत। कितने अरसे किया, ये जो आपने ये जो नया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, कब तक जी चला है ये? 1 साल रगड़ा लिए पूरा, 1 साल रगड़ा लिए, उसके खूब नोट छाप लिए और फिर फैसला किया कि पाकिस्तान आना है. बाद नहीं फिर अपना स्टूडियो बनाया, फिर अच्छा अपना स्टूडियो बनाया, फिर स्टूडियो के बाद और बहुत सारी यू नो डिफरेंट जॉब्स भी की। ये फैशन डिजाइन की डिपार्टमेंट ही है, जिस तरह मैंने बीबी के लिए, बीसीबीजी के लिए, क्रिश्चियन अखबार के लिए डिफरेंट डिजाइन्स जितने थे उनके लिए कर रहा था, तो ये मैं साइड पे अपना कर रहा था। ये मैंने कंप्यूटर भी, उस जमाने में मैंने कंप्यूटर खरीद लिया था, मैं फोटोशॉप भी सीख लिया था, खुद ही सीखता था, फिर तस्वीरें अपनी खींचना शुरू हो गया था क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि फोटोग्राफर, तो तस्वीरें अपनी खींचना शुरू हो गया, वो डिजिटली उसको ठीक करना शुरू हो गया। तो इस तरह ही सीखा मैं। फिर मुझे एक चांस मिला, मेरे दो बहुत पुराने प्यारे दोस्त, पहले मेरे बॉसेस थे, उन्होंने मुझे पार्टनर बना लिया, हमने फैक्ट्री लगाई साथ अमेरिका में। अब जब जबरदस्त, और फिर इसी वापस की कपड़ों की फैक्ट्री, मतलब डिजाइन और इस तरह का. कि प्रिंट मैं डिजाइन करता था, कपड़े मैं डिजाइन करता था, वो छपता अच्छा कहीं वो था, प्रिंट, पेपर अच्छा समझ कहीं गया. से आता था, तो मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को मिला के वो उस तरह एक बिजनेस प्लान बहुत बनाया। इट वाज अ वेरी गुड गुड कंपनी। आई वाज हम लोग नॉर्डस्ट्रॉम के लिए बेच रहे थे और लिली अच्छा पुलित्ज़र वेरी हमारा गुड. वो था, पॉइंट ऑफ व्यू में पूरी कलेक्शन आती, तो वाज अ गुड वेरी हेल्थी यू नो कंपनी। और बट ये उसी कितने अरसे चली आपकी कंपनी? यही मेरा ख्याल 2-3 साल मैंने तो चलाई। मतलब अब एट दिस पॉइंट यू स्पेंट, मतलब कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर से लेके अब तक यू स्पेंट अबाउट 5-6 years. नहीं, ज्यादा ज्यादा हो अच्छा गया। ज्यादा हो गया था. हाँ दिस इज एंड नाउ दिस वाज अबाउट 2000, ये अब 9/11 के बाद आई केम इन, आई स्टार्टेड लिली 9/11 के बाद। उसके बाद हाँ 2 साल कंपनी, उसके बाद फिर 9/11 हुआ, फिर उसके बाद वहीं रहे। तो फिर एक वापस आने का, वापस आने का जो एक मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, डिफरेंट लोग मिल रहे हैं इस सिचुएशन, और फिर फाइनली एक कंपनी बन गई. ठीक हाँ है, एक कंपनी कंपनी एक बन दफा बन जाती है, स्टेबल इनकम आ जाती है, एक लॉन्ग टर्म बंदा सोचने लगता है. इन सब को फिर आपने साइड पे करके ये फैसला कैसे किया कि मैंने पाकिस्तान आके चंडीगढ़ रोड के बीच में जाके मैंने एक आर्टिस्ट कॉम्यून खड़ा कर. यार। ये पता है क्या, मेरा हमेशा से एक ही प्लान था। लोग मुझसे पूछते थे आपका प्लान क्या है, तो मैंने बोला मेरा प्लान जो है ना इज टू फॉलो द प्लान। तो जो आ रहा है ना हाँ बस वो मतलब बस। चलते रहे. तो यही हुआ कि एक दिन वैसे ही मेरे दादा मेरे बहुत करीबी थे, आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, तो वो मुझे बहुत मिस करते थे ना, तो लेकिन अमेरिका भी मेरे पास आके रहते थे, अच्छा कम एंड स्टे विद मी फॉर मंथ्स, यू नो ही हैड हिज राइट. डॉटर देयर, एवरीवन नो 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 आई एम गोना कम स्टे विद, तो हमारा हाँ ताल्लुक भी ऐसा था उनसे, मैं उनकी गोद में पला। तो खैर उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुझे बहुत याद आता है, तेरे बच्चे याद आते हैं, बस वापस आ जा। पता नहीं उन्होंने वैसी बात की, यूजली वो कभी कहते नहीं, मुझे कहते तू उधर सेट है, तू उधर ही रह, यहाँ तू। हेलो जी जी हाँ डिस्कनेक्टेड फॉर अ सेकंड बट यू आर गुड. सो ही तो सेड कि उन्होंने वहां बोला पे कि सेट है, यू कम वहाँ बैक. तुम आई थिंक वी आर हैविंग अ लिटिल कनेक्टिविटी इश्यू हियर. अब आ रही है आपको चलो आवाज? आवाज आ रही है, शक्ल नहीं आ रही, आपको चले आवाज मुझे भी आवाज आ भी रही नहीं है आ रही, तो आवाज चले. तो फिर उन्होंने आपसे कहा हाँ कि आ भाई रही मैं शक्ल याद नहीं। आते हो तो तुम वापस आ जाओ. यार तो आ जा यार वापस। मैं बैठा रात को मैंने सोचा यार मैं यहाँ हूँ क्यों, यू नो आई एम गेटिंग इनटू दिस अमेरिकन ड्रीम, आई एम ऑलमोस्ट देयर, यू नो आई नो द सेलिब्रिटीज, यू नो आई हैव गॉटन द फैंसी कार्स बैक, यू नो नाइस नेबरहुड्स, वापस दोस्त, जैसी
आपका आ जाते, ताल्लुक वाले भी फॉरन आ जाते हैं, सब आ जाते हैं. तो मैंने कहा यू नो काइंड ऑफ गेन एक्सपीरियंस, सब कुछ हो गया. लेकिन व्हाट आफ्टर दिस? तो मैं इंगलवुड मस्जिद में, मैं वो मेरा एक और भी जॉब होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैयत को धुलाना, गुस्ल देना. यहाँ से भी चक्कर लगाए. और मेरी माँ बहुत खुश हो जाती थी, मेरी बीवी बहुत खुश हो जाती थी कि भाई मैं भी, मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता था मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, वो भी करते रहे. और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हमेशा देखा जो भी पाकिस्तान जा रहा था ना उन डब्बों में ही जा रहा था यार वापस. मैंने अपने घर जाना है मरने के लिए नहीं, थोड़ा जिंदा रहने के लिए जाना है. और फिर यू नो आई रियली मिस्ड आखा जी, आई रियली रियली मिस्ड हिम. यू नो आई वाज लाइक व्हाट डू आई मिस द मोस्ट अबाउट हिम? आई मिस टचिंग हिम, आई मिस होल्डिंग हिम, आई मिस हगिंग हिम, यू नो आई मिस हिज स्मेल. सो मैंने बोला कि बस चलो पैकअप करें. और लोग बोलते हैं यार तुम पागल है, वहां जा रहे हैं, वहां किसी को जानता नहीं है, 20 साल बाद अपने शहर जा रहे हैं, और फैशन डिजाइन तुम किधर, तुम्हारे दिमाग खराब है, नहीं चलेगा, वापस आ जाएगा. तो 20 साल हो गए थे कि you had been out of America, out of Pakistan. 15 years I was in America, 5 years before that I was in a cadet college. So basically 20 साल हो गए थे कराची से दूर. तो everyone said you don't know anyone, you're going to start off again. Very hard and fashion. मुश्किल होता है. तो मैंने लिया यार हमको तो पता नहीं, अब बस ये प्लान तो यही था, अब हमने फॉलो किस तरह करना है ये हमने देखना है. तो आप बस कूद गए और आपने कहा बस चलो, and you landed up here. लेकिन ये मुझे बताएं कि ये कम्युन का जो आइडिया है, मतलब you came back and there was probably one of the first things you did is you set this up. और ये एरिया भी जो है बड़ा एक मुश्किल एरिया, और जमाने में बड़ा यहाँ पे encroachments भी थे, you know, and you managed to really find this hidden gem in the middle of nowhere. Did you find it? How did you come across this space? And how did you think, yaar, maine ye project banana hai iska, aate hi saath. Yaar, when I moved back with my father into his office, and I made a small one office into a studio, aur wahin se main kaam karna shuru hua. And then this was our family warehouses. Ye hamare warehouses the family ke, mere walid ke, mere तो आई केम हियर, यहाँ सारे कब्जे थे, सब कुछ अजीब, हालात खराब, बाहर मुझे कुछ समझ नहीं आया यार कब्जे का, अगर मेरे वालिद की जगह दूसरा क्यों बैठे अब हमें. वेरी अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग, यू नो यू पे योर रेंट एंड नोबडी कैन किक यू आउट, दैट्स इट, यू नो. सही बात है. फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई बात सुनिए, आप इस तरह काम नहीं होता, आप जरा मुझे थोड़ी सी बड़ी करें. सही है, वरना वो कहते हैं ना फ्रेश फ्रेश अमेरिका से आया है, फ्रेश मीट आया है भाई, शुरू हो जाओ. हाँ बोला, हाँ ये डॉलर बाबू को तो हम सिखाएंगे. मैंने चलो सिखा दो. फिर उन्होंने मुझे काफी सिखाया. प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे अपने से ज्यादा सिखा दिया. ये फायदा है वैसे बाहर रहने का, कि बाहर रह के ना इंसान सीखना सीख जाता है. तो फिर यहाँ से खुदा का करना हुआ, कब्जे भी छूट गए. Then I said, you know, I want a space, not just for artists, I want a space where I don't have to lie, I don't have to pretend, and I'd be, and if I don't have to do either of these, I'll be the most fearless man, and I want to be the most fearless man. So I said, let's make a commune. Jahan everyone said, oh, like-minded people, I'm like, no, unlike-minded people. Not like-minded people. Everyone said, kya ye ladkiyan bahar paint kar rahi hongi aur ye mazdoor yahan hote hain. मैं कह इनकी कंडीशनिंग है, ये मुड़ के देखेंगे, इनकी कंडीशनिंग होगी, ये मुड़ के नहीं देखेंगे. और इनकी कंडीशनिंग हो गई, वो जिस कॉम्यून के अंदर आते हैं सब, कोई लड़कियां जीन्स भी पहनी हुई हैं, शॉर्ट्स भी पहनी हुई हैं, स्लीवलेस भी हैं, कोई मजदूर मुड़ के नहीं देखता. तो हमने इनको बस रिकंडीशन करना था, तो मैंने रिकंडीशन कर दिया. लेकिन ये जो मुझे अब ये बताएं, बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे इस शहर में कब्जों के साथ डील करना, या वो पूरा माइंडसेट जो एक है, मतलब वो जो एक एडजस्टमेंट था, how did you go through that adjustment period? Because a lot of people, you know, think about bahar rehte hain, bahar college ke liye gaye, sochte hain ya main Pakistan jaun nahi jaun, ye puri zindagi guzar jati hai sochte hue ki main jaun nahi jaun, to end mein dabbe mein hi ja rahe hote hain, jaise aapne kaha. That adjustment is difficult. I went through that adjustment, mujhe bhi 8 saal ho gaye, and how did you deal with it?
there are days when you just think yaar pack karo wapas chalo yaar yahan hi chal raha hai system and you dealt with a kabze wali zameen jisko chhoda ke aapne ye commune banaya. So how did you keep yourself motivated and driven? It's same way you marry, you stay married, man. It's simple. you go into a relationship to how to make it the best and right. You work towards. Yes, there'll be mujhe, and the thing was, you know, if you keep on thinking about the past or the future, you can't live, you know, you won't find today. So for me, it was, you know, aaj mere khuda ne mujhe saans diye to koi kaam se reh gaya. To aaj ka kaam pura kar lu. And I've extended my days and I've trained my body to accept my extended days. So I work and I enjoy working and this is what I do aur main yahan aata hu aur आप सोच लेना कुछ सबसे पहले तो सोच होती है हमें सोचने से भी डर लगता है ये कैसे होगा अब वो कैसे होगा ये तो मुझे भी नहीं पता लेकिन अगर मुझे आइडिया आ गया ना ये होना है तो मुझे खुद ढूंढना है ये मैंने कैसे करना है पहले फैसला करना होता है कि बस करना है अब विल फाइंड इट्स ओन वे और मैं आपको बताऊं कि हम लोग अक्सर ही ढूंढते हैं यार कोई ताकतवर आदमी मिले ताल्लुक वाला आदमी मिले जिस जो हमारा कोई हो कोई हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले यार यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ ना वो मैं आपको बताऊं क्या हर झूठे को सच्चा चाहिए जिस तरह हर बेईमान को ईमानदार चाहिए और हर बुद्धिल को दिलेर चाहिए ना तो यू बी द दिलेर यू बी द ईमानदार एंड यू बी द सच्चा एंड द होल वर्ल्ड विल बी एट योर डोरस्टेप आपसे किसी को फायदा होगा ना तो लोग आपको ढूंढेंगे आपसे फायदा नहीं होगा ना तो आप बहुत बड़ी सीट पे भी बैठ जाएंगे ना कोई आएगा नहीं आपके पास हमने सिर्फ ये देखना है कि हम लोग इस पे लग जाते हैं कि हमें किस तरह फायदा मिलेगा आप ये सोचें कि आपसे किस तरह दूसरों को फायदा होगा दूसरे खुद उठ के आएंगे आपके पास हाँ आपको खुद ही फायदा हो जाएगा इसमें मुझे ये भी बताएं चीज निकल जाए तो हमें रियलिटी समझ आए ये एक चीज ये भी बताएं इतना आपका डिवर्स एक्सपीरियंस था शुरू में ठीक है लॉट ऑफ आजकल जो लोग आजकल क्या मोस्ट पेरेंट्स डोंट वांट सो मच डाइवर्सिटी अर्ली ऑन इन देयर चिल्ड्रंस करियर वो चाहते हैं कि यार डॉक्टर लॉयर इंजीनियर जो भी डिग्री पकड़े करियर ले 5-6 साल नौकरी करे बच्चे मैरिज सेटल बट यू टुक अ वेरी रिस्की पाथ राइट यू केप्ट यू डिडंट फिनिश योर डिग्री यू डिड फर्स्ट यू वेंट फॉर फूड साइंसेज करते करते फैशन डिस्कवर किया डिग्री नहीं खत्म की एक चीज की फिर कैफे खोला फिर वहां से शिफ्ट किए फिर मतलब in a very short span of time theek hai you changed your path a lot iska nuksan hua ya aaj baith ke when you look back kya iska fayda tha ye dekho agar piche mud ke aap agar kisi cheez ko tole na to aap usme nuksan bhi dhoond sakte hain aur fayda bhi dhoond sakte hain aapne sirf majmui taur pe ye dekhna hai ki agar aapse kisi ko fayda hua na in waqton mein to aap kamyab hain आपसे अगर फायदा नहीं हुआ और आप फायदेमंद रहे तो आप नुकसान में हैं तो अगर मुझे किसी को मुझसे फायदा हुआ तो मेरी जिंदगी कामयाब रही और मुझसे फायदा नहीं हुआ तो मैं दुनिया का सबसे नाकाम इंसान और इनको इस दौरान पेरेंट्स को संभालना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो जाहिर है फिक्र करते हैं कि यार अगर पेरेंट्स समझ जाए ना तो ये बच्चे आज के ना ये हमसे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये सच्चे हैं और पेरेंट्स ही डरा देते हैं बच्चों को क्या होगा इसका और बहुत सारे और बहुत सी दफा तो मैंने बहुत से पेरेंट्स से सुना है कि वो आते हैं मुझे बोलते हैं कि चलें अभी तो हम लोग इनको संभाल रहे हैं जब आप मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा मतलब क्या मतलब क्या होगा आप मर जाएंगे आपको पता ही नहीं होगा क्या होगा आप क्यों पूछ रहे आप तो मर भी होंगे वही सो वो सोच भी आपके साथ चली जाएगी बिल्कुल बिल्कुल आप तो मर चुके होंगे बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं मैंने कहा ये जो आपने बात की मैंने उसको जरा खुल के बयान कर दिया आप मर चुके होंगे आपको पता भी नहीं होगा बच्चों के साथ क्या हो रहा है आप अपना फिक्र करें वो फरिश्ते रिश्ते जो हेलो हेलो सवाल करते हैं आप आपको थोड़ी होगा कि भाई यू नो यूसुफ को क्या डिग्री हुई नहीं हुई रेंट गया नहीं गया यू विल नॉट बी कंसर्न और ये और बच्चों को पता नहीं माँ बाप ये क्या एक तो माँ बाप ये दुआ देते हैं अल्लाह मेरे बच्चे का भी दिल ना टूटे ये बद्दुआ है जो टूटे ना वो टूटना चाहिए और क्या दे विल फेस दीस थिंग्स जो हमें बचपन से बस बस बेटा तुम्हारा दिल ना टूटे दिल नहीं नहीं तुम बस खुश रहो नहीं गम भी करो भाई गम आते हैं गम करो जिंदगी जियो
हम लोग इतनी उनको, मैं खुद भी मैं बता रहा हूँ, बहुत अरसे तक अपने बच्चों को बहुत मैंने वो, मैं जब आया यहाँ तो डकैतियां देखी और अगवा देखे और मर्डर्स देखे और चीजें देखी, इतनी सारी चीजें, मेरे घर जले, पता नहीं क्या क्या हुआ यहाँ जब मैं आया. तो इट वॉज नॉट एन, यू नो, एवरीवन थिंक्स कि यू नो वी केम बैक, अमीर बाप का बेटा था, बहुत आसानी से. नो, इट वॉज नॉट दैट ईजी. हाँ, माई फादर अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, ही इज वेल ऑफ, फैमिली इज वेल ऑफ, लेकिन एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल्स. मुझे तीसरे दिन अमेरिका से आया, तीसरे दिन मुझे मुंह में बंदूक डाल के 6 लोगों ने उठाया और मार मार के मेरी हालत कर दी. फिर तीसरे दिन बाद मेरे पास कोई, मैं तो चौथे दिन निकल जाता वापस. वो बैग्स ले गए, वापस बैग्स भी ले गए, हर चीज ले गए. मैं उसके बाद फिर एक साल पहाड़ों में, जब ये अर्थक्वेक आया, फिर बेनजीर मोहतरमा के जमाने में मेरा पूरा घर, मेरी, मेरे बाग, हर चीज जला दी. you know, it's not easy, you know, but I lived through it. So, you know, a lot of people say, it was very easy for you. It's not easy for anyone. What was the period that you were most down during this time? Was there ever a period when you really hit rock bottom? Yeah, there was this split moment when my grandfather was dying. And I've told this story to many people many times. And, you know, when he was dying, you know, I was, you know, that's the time I was down. But as soon as... How did you pick yourself out of that? As soon as he left, he stayed with me. That's how I lived. Pehle to kabhi ghar pe hote the, kabhi kahan hote the. Ab there's no time, he's always with me. I just can't see him, but I smell him. So, very thoughtful. Where do you see your commune going in the next 10, 20 years? Why not develop this into this big place in the city, bigger than what it is today? I'm not into big. I think what we need to do is make more. So more of such spaces. Yes, because, you know, if someone is in Nazimabad, it's very inconvenient for them to come all the way here. These kind of spaces needs to be in every mahalla. You know, you need to have a space which is a shelter, which is not an art gallery. It's an alternative space. It becomes a shelter when needed. It becomes an art gallery when needed. It becomes a set when needed. You know, it becomes a home when it's needed. So, is kisam ki jagahein jinke paas bhi hain, I mean, if they like this idea, or they can better this idea. This is not the perfect idea. Mera khayal tha na. Wo maine apna khayal yahan jis tarah ek. तो हर इंसान अपना सोचो, अगर हर मोहल्ले में एक कॉम्यून हो. लोग मुझे बोलते हैं आपका आइडिया है तो आप वो, मैं देखो बात सुनो, मेरे नसीब का मुझे मिलना है और मैंने आराम से लेना है, मैंने आराम से लेना. मुझे जितने और जितने लोग कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे बाबा करो, बस अच्छी चीज हो रही है ना, लोगों को फायदा हो रहा है तो करो. हम लोग क्या करते हैं कि अब मैं ही चाहूंगा ना कि मेरा इससे और बड़ा हो जाए, इससे बड़ा हो जाए, इससे बड़ा कोई और ना हो. नहीं, इस तरह के और बहुत सारे हों. एक बड़ा दूसरे शहरों में इस तरह का कॉन्सेप्ट चल सकता है. पाकिस्तान के फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, सखर में, दुनिया में, पूरी दुनिया में चल सकता है, शहरों में चल सकता है. नाउ इट्स बीन अ ईयर, आई हैव मूव्ड टू द फार्म, आई लिव ऑन द फार्म नाउ. मैं गाँव में रहता हूँ, हफ्ते में 2 दिन शहर आता हूँ, बाकी टाइम गाँव में जाता हूँ. मैं आपको बताऊँ कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ बहुत अरसे से, व्हेन आई स्टार्टेड फैशन डिजाइन, एवरीवन सेड this is not in fashion what you've started, because in 1994 it was not in fashion. Fashion designing was not fashionable, especially in Pakistan. Midwest mein bhi itna nahi tha, Pakistan mein to khair bilkul khair tha, lekin it us level pe nahi tha jis level scale nahi tha wo bilkul. And I said it's going to be fashionable, just wait another 10 years. Became fashionable. Not that, you know, I was looking at these trends, fir maine dekha hairdressers fashionable ho gaye. फिर मैंने देखा, पहले जो हमारे जमाने में, यू नो, या तो अच्छे नंबर आए तो डॉक्टर फैशनेबल थे, उसके बाद इंजीनियर फैशनेबल थे, उसके बाद बिजनेस वाले फैशनेबल थे. ये इस तरह के एमबीएस के फैशन आए, भाई सबने एमबीएस करना है, सारे भाई एमबीएस भरे हुए हैं. फिर इंजीनियर्स गए, जी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भरे हैं, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खाली हैं. फिर फैशन डिजाइनर आए, फिर हेयर ड्रेसर आए, फिर मेकअप आर्टिस्ट आए, फिर शेफ्स आए. यू नो, ऑल दीज थिंग्स बिकेम नाउ द नेक्स्ट फैशन, which is going to stay for another 100 years. You ask anyone, what do you do? They'll say, I'm a farmer. And it's farmer. One of the most beautiful,
Yes. So if you're You'll saying see that now how. farming is going to become fashionable again, मतलब फार्मिंग तो हम करते ही Yes. थे, मतलब 150 to 200 साल पहले, everyone, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, आई सपोज, यू नो. Now everyone is going to be a farmer. Why do you say And that? this Where do is you pick that up from? because we're getting more and more aware. We want to feed ourselves right. Everyone, you look at everyone, कोई बोलता है मैं घर पे मिर्च लगा रहा हूँ, कोई बोलता है टमाटर लगा रहा हूँ. Everyone's, going up and eating organic and making their own jams. Little home girls making candles. So तो we're मतलब coming back. ये जो 150 साल की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये वो सब, मतलब घूम फिर के हमने वहीं जाना है जहां से हम आए थे 150 साल पहले, हैं? आप No, ये it's कह रहे हैं? institutionalization of man. We हाँ. institutionalized man, and institutions were made to help mankind, but it राइट, took the kind away from man. Every दैट्स ट्रू. institute you look at it, when morality, institute of morality, churches बने, मंदिर बने, मस्जिदें बनी, सब बेईमान हो गए. पहले कुछ ईमानदार थे, फिर उन्होंने बोला एक और इंस्टीट्यूट बनाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बनाते हैं. इन्होंने अस्पताल बनाए, सब बीमार हो गए. फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बनाते हैं, उन्होंने बैंक बनाए, सब कंगले हो गए. फिर उन्होंने बोले इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज बनाए, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए, सब जाहिल हो गए. पहले अनपढ़ थे, जाहिल नहीं थे, सब जाहिल हो गए. फिर उन्होंने बोला इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी बनाते हैं, आर्मीज बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, सब इनसिक्योर हो गए. ऑल इंस्टीट्यूट्स, एंड दे टेल यू इट्स एन इंस्टीट्यूट. हु गोज इन एन इंस्टीट्यूट? दिमागी मरीज गो इन एन इंस्टीट्यूट. और ये दिमागी मरीज वहां से बाहर निकालते हैं. So now let me बट ask you, this is a very valid point and this is going to be my last point, we're also out of time. ये जो आपने बात की, इंस्टीट्यूट सिर्फ दिमागी मरीज जाते हैं, ठीक है, और आपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हर चीज के, हाउ डू यू कॉम्बैट और काउंटर दिस इफ यू आर समवन, लेट्स से जस्ट गेटिंग इट, लेट्स से समवन इज इन योर शूज वेयर यू वर इन दैट लास्ट सेमेस्टर ऑफ लिंकन नेब्रास्का, राइट, दे आर स्टैंडिंग देयर टुडे, हाउ डू दे अवॉइड दिस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड माइंडसेट गोइंग फॉरवर्ड? One, we need to understand how it operates because we have to operate with them. It's all this institute is based on paper. That's what the basis of every institute is. मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे, मुझे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी साहब, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. आईडी तो दिखाएं. अभी अभी बोला जी साहब जानते हैं मुझे. आईडी नहीं, कागज दिखाएं. तो कागज ये वो दिखाने है ठीक ना, है. ये आपने वो बुक किताब पढ़ी है, सेपियंस बाय, नहीं इट्स अ पढ़ा ब्यूटीफुल बुक, लिखा इट्स नहीं. दिस एक बुक है सेपियंस के नाम से, उसमें कॉन्सेप्ट है इमेजिन्ड ऑर्डर का, जो कागजी लिखत पढ़त पे पूरी दुनिया चलती है, विच इज आई थिंक व्हाट यू आर रेफरिंग टू. हर चीज कागज. मैं बोलूँ ये घर मेरा है, बोले कागज दिखाओ. मैं बोलूँ गाड़ी मेरी है, बोले कागज दिखाओ. मैं बोलूँ औलाद मेरी है, बोले कागज दिखाओ. मैं बोलूँ इस औरत से मुझे प्यार है, बोले कागज दिखाओ. यहां तक कि मैं बोलूँ मैं मर गया ना, तब भी बोलेंगे कागज दिखाओ. बिल्कुल ऐसा ही है. तो इसको काउंटर तो कैसे कागज करें? सच्चा इसको काउंटर इस तरह करना है कि खुद को पहचानना है. यू नीड टू फाइंड आउट हु यू एक्चुअली आर एंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ. हाउ आर यू सपोज टू बेनिफिट? विच स्किल सेट्स आर क्लोजर टू यू दैट यू कैन डेवलप? नेचुरली वी आर इंक्लाइंड इन सर्टन वेज. अपनी इंक्लिनेशन होने देखिए, ये सारी चीजें शुरू से आपको दूर करती हैं, आपको आपके हिस्से दूर करती हैं. और उससे किस तरह दूर करना है? डरा देना है आपको. आपको डरा देना है तो आप मर जाएंगे. एक बच्चा पैदा होता है अमेरिका में, आपने बहुत सी दफा, मैंने तो यूट्यूब में, मैंने रियल लाइफ में भी देखा, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया, स्विमिंग पूल में, छोटा सा पैदा हुआ वो बच्चा. उसको पानी का डर नहीं था तो पानी ने उसको उगल दिया. जैसे ही पानी का डर उसमें आया ना, पानी ने उसको निगल लिया. तो वी नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स. दिस इज व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू टेल अस. ही सेड आई एम गोना कम एंड एंड दिस स्लेवरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स. He talked about these institutes. अब मुझे लोग ये ना करेंगे मैं हदीस गलत कोट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फॉर मी दिस इज द मीनिंग. फॉर So समवन एल्स इट माइट basically, बी डिफरेंट. more self-awareness and less fear. That's, I think, a really nice takeaway. Thank you so much for the time. It was really You interesting are chatting with you. All the best on the farm, and everyone tuned in, please remember, the future is in farming. बिल्कुल सही बात की, हमारा एक रुझान वापस जा रहा है ऑर्गेनिक, नेचुरल की तरफ. We have to think creatively and figure out how farming can be a part of our lives. Thank you, Yusuf Bashir Qureshi. Horticulture, grow your own veggies, please eat clean and stay healthy. Thank
Thank you. Great message. All right. Take care. The office.